दो टीमों को आज बाहर जाना होगा. 12 टीमों से सफर जो शुरू हुआ था आज चार पर खत्म होने वाला है. ऋषंक तिवारी का पहली रेट पर रक्षात्मक रेट, कोई आक्रामकता नहीं सुनी. बिल्कुल पूरी तरह से कैलकुलेटेड रिस्क लिए जाएंगे. अपने टीवी के ऊपर देखिए केबीडी कैंप 360. विजय कुमार अंदर आए हैं, रिवाइवल मिला नहीं बोनस के कारण. विजय राइट कॉर्नर पे हैं, एक नया डिफेंडर शामिल किया है रणधीर सिंह सेहरावत ने. लेकिन अब अमित विजय ने कोशिश की जो नाहक थी, बुल्स ऑल आउट के और करीब पहुंच गए. बुल्स की परेशानियां बिल्कुल शुरू से दिखाई देने लगी है. डिफेंस चरमरा रहा है, पवन सेहरावत नहीं चल पा रहे हैं. आखिरी खिलाड़ी हमें शुरान थे, उनको भी चेंज नहीं किया कोच रणधीर सिंह सेहरावत ने. शायद वो अपना सब्स्टिट्यूट बचा के रखना चाहते हैं. यहाँ उनको पता है ऑल आउट बचाना मुश्किल है, बोनस तो इनको भी दे दिया गया. और शायद ये भी उम्मीद होगी कि पवन सेहरावत जितने जल्दी अंदर आए उतना बेहतर होगा. ये लीजिए ऑल आउट, इसके साथ ही बेंगलुरु बुल्स सुमित ने अपना काम कर दिया. बेंगलुरु बुल्स की वही गलती, पवन सेहरावत एक बार बाहर गए तो तक अंदर नहीं आए. जब पूरी टीम रिवाइव हुई तभी वो अंदर आ पा रहे हैं. ये तो पटना पायरेट्स वाला डेजा वो हो चुका है संजय. अब असली काम को इन्हें अंजाम देना है. पवन सेहरावत 300 से ज्यादा रेड पॉइंट, पिछली बार 272 थे, इस बार 309 हो चुके हैं. पवन ये बड़ी रेड है, ये सुपर डुपर रेड है, ये बुल्स की धमाके के साथ वापसी का ऐलान है. 1-2-3 और साथ में बोनस की मांग भी है. बिल्कुल बोनस 3 पॉइंट्स. सुपर रेड लगा दी है पवन सेहरावत ने. हाई फ्लायर ने अपनी उड़ान शुरू कर दी है. बेस होल्ड करने की कोशिश थी सुमित की, आमतौर पर गलती नहीं करते लेकिन पवन ज्यादा सजग थे इस बार. अभी जैसे मैच स्टार्ट हुआ तो पेशेंस की बात करते हैं तो यूपी ने वो पेशेंस दिखाया पहले 20 मिनट में और जोरदार टैकल किया है पवन सेहरावत को. तो उस टीम को हराना बड़ा मुश्किल है. बेहतरीन कमाल का टैकल था मंत्रा. ये सिर्फ दो डिफेंडर थे यूपी योद्धा के मैट पर और रोका किसको है, पवन सेहरावत बैक ऑन द बेंच. यूपी योद्धा 9 पॉइंट की लीड. जी बिल्कुल, यहाँ नितेश ने कमाल किया है. नितेश पिछले सीजन के नंबर वन डिफेंडर और इस सीजन भी, ये है सबसे बड़ा डिफरेंस. यहाँ ऑल आउट का खतरा मंडरा रहा है और ये परेशानी की बात हो सकती है. लेकिन उधर नितेश है, आज 2-2 से मामला बराबर है. पवन के हाथ दोनों शिकार क्या लगेंगे, क्या फिर से वो एक्शन रिप्ले होगा? जी नहीं, ये सुपर टैकल है. नितेश मोनू वेल डन. कमाल का सुपर टैकल था. पवन सेहरावत पिछली बार तो निकल गए थे लेकिन इस बार उनका एंगल मोड़ दिया गया, उनकी दिशा मोड़ दी गई, मैट की तरफ से उल्टा कर दिया गया और इसी वजह से वो निकल नहीं पाए. बिल्कुल मैट की तरफ उल्टा किया मोनू गोयत ने. पहला टच भी मोनू गोयत का था तो ये सुपर टैकल के 2 पॉइंट मोनू को मिलेंगे. बोनस पॉइंट 7 हैं यूपी योद्धा के, 4 हैं बेंगलुरु बुल्स के और यहां कामयाबी. ये बुल्स को मैच में लौटने का शायद आखिरी मौका मिला है. श्रीकांत जाधव को एंकल होल्ड किया सौरभ नांदल ने और बचे यूपी के पास 2 खिलाड़ी. यूपी ने लगातार 2 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद अपना ऑल आउट बचाया था, बड़ी लीड बनाई थी. अगर बुल्स यहां या इस बार नहीं चूके, अपना चूक सेहरावत. लेकिन दोनों कॉर्नर खतरनाक फॉर्म में हैं. ये मल्टी पॉइंट रेड, सुपर रेड की संभावना. पवन कह रहे हैं आने दो, पॉइंट लाने दो. 4 पॉइंट्स बेंगलुरु बुल्स, 4 आर आउट. पवन सेहरावत में वो मानता है कि इस रेड में खेल खत्म करें. ये लीजिए ऑल आउट. यूपी योद्धा ऑल आउट तीसरी बार इस मुकाबले में. 4 पॉइंट विसल बजी और बुल्स डिफेंडिंग चैंपियन सेमीफाइनल में खेल गए. ये देखिए रणधीर सिंह सेहरावत का स्वैग देखिए, बेंगलुरु बुल्स की जबरदस्त वापसी का जश्न देखिए. दिल्ली से भिड़ेंगे अब प्रो कबड्डी का रोमांच.